नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल MKV टेक्निकल। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे इंग्लिश में टाइपिंग करके आपका जो टाइपिंग होगा वो हिंदी में होगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि जैसे देख लीजिए, मैं टाइप कर रहा हूं इस समय इंग्लिश में, लेकिन वो लिख जाएगा हिंदी में। जैसे आप देख लीजिए, मैं लिखता हूँ कैसे हो, कैसे हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं टाइप कर रहा हूँ इंग्लिश में, लेकिन ये लिख जा रहा है हिंदी में। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि हम टाइप करें इंग्लिश में और वो लिख जाए हिंदी में, क्योंकि फ्रेंड्स ये काफ़ी टिपिकल होता है हिंदी में टाइपिंग करना। इसलिए मैं ये ट्रिक आपको बता रहा हूँ और आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ कैसा हूँ, कैसे हो, और उसके बाद में मैं लिखता हूँ अच्छा हूँ। तो चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ, अच्छा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर टाइपिंग कर रहा हूँ इंग्लिश में, लेकिन ये हो जा रहा है हिंदी में। तो फ्रेंड्स, आप भी अपना कीवर्ड इस प्रकार से सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको करना कुछ नहीं होगा, बस एक छोटी सी एप्लीकेशन है, उसको आपको डाउनलोड कर लेनी होगी। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, बैक जाता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ कि वो एप्लीकेशन कौन सी है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको जाना है प्ले स्टोर पर और यहाँ पर सर्च कर लेना है आपको गूगल, सॉरी मैं इसको इंग्लिश में कर देता हूँ, यहाँ पर गूगल। जी फ्रेंड्स, आप यहां पर देख सकते हैं गूगल इंडिक कीबोर्ड। तो गूगल इंडिक कीबोर्ड को आपको यहां पर डाउनलोड कर लेना है और इसको इंस्टॉल भी कर लेना है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको इसको थोड़ा सा सेटिंग आपको करना होगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपको मैं बता देता हूं, वो भी वीडियो के साथ बने रहेगा। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर टाइपिंग कर रहे हैं, एक बार मैं फिर से आपको लेकर के चलता हूँ। और यहाँ पर जैसे आप मान लीजिए आपको यहाँ पर टाइपिंग करना है, यहाँ पर आपको थोड़ा देर प्रेस करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ये इंग्लिश एंड इंडिक लैंग्वेज आप यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। और उसके बाद में फिर आपको जैसे आप यहाँ पर इंग्लिश भी टाइप कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हाई, हाय, हेलो, आप देख लीजिए यहाँ पर अभी इंग्लिश में टाइप कर रहा है। और अब आपको अगर हिंदी में टाइपिंग करना हो, वो भी इंग्लिश टाइपिंग करके हिंदी में जाना हो, तो ऐसे कर सकते हैं। आपको यहाँ पर हिंदी में क्लिक कर देना है और आप इंग्लिश में आप टाइप करेंगे तो हिंदी में हो जाएगा। जैसे लिख देते हैं हम यहाँ पे, आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हो। तो आप देख सकते हैं मैं टाइप कर रहा हूँ इंग्लिश में, लेकिन ये हो जा रहा है हिंदी में। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड धन्यवाद।